नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोगों के समक्ष एक और नया औषधीय प्लांट ले गया हूँ, जिसका नाम है मूली। देख रहे हैं, ये जो है मूली है, ये जो है उसका पत्ता हो गया। तो मूली का सीजन चल रहा है, तो सोचे कि मैं आप लोगों को मूली का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएं, उसका प्रयोग बताएं। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोगों के समक्ष मूली का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इसका हिंदी नाम जो है मूली है, इसको अंग्रेजी में रेडिश के नाम से जाना जाता है। इसका लैटिन नाम जो है रेफनस सेटाइवस के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम या लैटिन नाम सेफनस सेटाइवम के नाम से जाना जाता है। ये जो औषधि है लीवर के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। जिनको आफरा, तिल्ली, स्प्लिन बढ़ी हुई है, लीवर बढ़ा हुआ है, वे सुबह खाली पेट मूली का रस पिए और मूली को खा जाए, इससे आफरा ठीक होगा और बढ़ी हुई तिल्ली भी ठीक हो जाएगी। देख रहे हैं, ये मूली है, ये कच्ची ढकार, मूली खाने के बाद से ढकार आता है, जो कि अगल बगल में जो है उनको मालूम चल जाता है कि हाँ ये मूली खाए हुए हैं ना। तो उस स्थिति में यदि आप मूली खाने के बाद कच्ची ढकार आती हो, दुर्गंध आती हो, तो मूली खाने के बाद थोड़ी सी अदरक खा ले तो इससे दुर्गंध नहीं आएगी, वह पच भी जाएगा। इस मूली से आप शारीरिक कमजोरी में भी बहुत ही कारगर औषधि है। शारीरिक, जिनको शारीरिक कमजोरी है, जिनके लिए उनके लिए मूली रामबाण है। इसके लिए मूली के बीज को भूनकर पाउडर बना ले और मिश्री मिला करके सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ सेवन करें। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होगी और तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी। इस मूली को आप लोग साग सब्जी के रूप में खाते हैं तो पेट जो है बहुत ही साफ रहता है, शरीर की इम्यूनिटी शक्ति बरकरार रहती है। बवासीर में भी ये जो मूली है बहुत ही कारगर औषधि है। जिनको बवासीर की शिकायत है, आफरा है, वे मूली की पत्ती को छाया में सुखा करके पाउडर बना ले, दो दो चम्मच प्रतिदिन खाली पेट पानी के साथ सेवन करें। इससे बवासीर में बहुत ही लाभ होगा। ये जो मूली है पेट के लिए रामबाण है। पेट के रोगों में यह मूली बहुत ही कारगर औषधि है, रामबाण औषधि है। जिनको पेट के रोग है, मूली के बीज को भून करके उसका पाउडर बना ले और उसमें थोड़ी काली मिर्च तथा काला नमक डालकर नियमित रूप से सेवन करें। इससे पाचन तंत्र ठीक होगा और पेट संबंधी सभी प्रकार के विकार दूर होंगे। कान की बीमारी में भी यह मूली बहुत ही कारगर औषधि है, रामबाण औषधि है। जिनको कान में दर्द रहता है, खुजली रहती है, साय साय की आवाज़ आती है, उसके लिए मूली की पत्तियाँ बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए मूली की पत्तिया को 200 ग्राम रस निकाल करके 500 ग्राम सरसों तेल में धीमी आंच पर पकाए, जब मात्र तेल बचे तो उसे छानकर शीशी में भर कर रख ले और उससे कान में नियमित रूप से डाले। इससे कान में से संबंधित सभी परेशानियां दूर होगी। यह जो मूली है, इस मूली को हम अर्क भी बनाए हुए हैं। देखिए, जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका हम उसके अथी बनाते हैं। देख रहे हैं, ये जो है मूली है, देखिए, देख रहे हैं मूली है, मूली का अर्क निकाले हुए हैं। देखिए इसका अर्क, देख रहे हैं ये मूली का अर्क है। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसको आप लोग आसानी से देखें, उसका लाभ उठाएं, उसका प्रयोग करें। तो इसके अलावा यह मूली जो है भूख भी बढ़ाती है, मोटापे में भी लाभकारी है, गुर्दे संबंधी परेशानियां दूर करती है, मूत्र रोग या इससे संबंधित सभी प्रकार की जलन, सूजन एवं अन्य समस्याएं समाप्त करता है। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मूली है, मूली के साथ आप लोग दूध का सेवन ना करें, इससे जो है साइड इफेक्ट हो सकता है, सफ़ेद दाग हो सकता है। सफ़ेद दाग में भी यह मूली बहुत ही कारगर औषधि है। रक्त संचार को नियंत्रित करता है, ब्लड संचार को जो है, जिसको बीपी कहते हैं, उसमें भी यह नियमित करता है।
तो मैं एक बार और आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें। बस मैं इतना ही कहकर अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके।